हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। प्रणाम आप सभी को। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक दूसरी जगह और जाएंगे तंजौर के अंदर, और वो है विजयनगर फोर्ट। ये एक्चुअली जो फोर्ट था ये 2 किलोमीटर दूर था बिग टेंपल और वीकेंड से बृहदेश्वर टेंपल से, बट हम लोगों को ये आइडिया नहीं था। तो हम लोग बाहर आए और हमने ऑटो लिया और मुश्किल से 5-7 मिनट्स लगे हम लोगों को पहुँचने के अंदर। और जो ये विजयनगर फोर्ट है, ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थंजावुर पैलेस, संगीति महल और आर्ट गैलरी और सिवगंगा गार्डन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे महल लाइब्रेरी और भी छोटी मोटी चीज़ें। तो हम पहुंच चुके हैं और हर एक चीज़ के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। ये शो की टाइमिंग्स है, एक शो भी होता है ऑनलाइन, आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखाते हैं। और ये है महल और ये टूरिस्ट स्पॉट का एक बोर्ड था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर पर कौन सा स्पॉट है। तो कुछ चीज़ें खुली नहीं थी तो हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, हमने थोड़ा सा कुछ खाया। So the first site we visited is the bell tower. There is nothing particularly found in the bell tower, but people use this place to climb up and get aerial view of Thanjavur city. The day was so hot, I was sweating a lot, literally. ये क्लॉक टावर को और यू कैन से मॉन्यूमेंट को आप सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाने वाले स्टेयर्स को बंद करा गया था, ऊपर जाना अलाउड नहीं था। तो बस बाहर बाहर से हम लोग देख के और इस तरफ आए, तब तक सारी चीज़ें ओपन हो चुकी थी। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. Forward my call. Clock tower देखने के बाद चल दिए हम मराठा दरबार की तरफ, और ये बहुत ही सुंदर था। Now we are heading towards the Maratha Darbar Hall. एक मेरी यंगस्टर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी मॉन्यूमेंट विजिट करते हैं तो प्लीज़ ये सब चीज़ें दीवार पे ना लिखें। आप माइंड से ये चीज़ें तो निकाल दें कि यहाँ पे अपने नेम लिखने से, हार्ट बनाने से आपका प्यार अमर हो जाएगा। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द वॉल्स। आप ये सब चीज़ें खराब कर रहे हैं। दिस मराठा दरबार हॉल लुक्स वेरी सिंपल फ्रॉम आउटसाइड, बट इनसाइड यू कैन सी मैनी एक्सीलेंट स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स रिप्रेजेंटिंग हिंदू माइथोलॉजी। This quality of the paintings in the Darbar Hall, some of which are probably 300 to 400 year old, are still in good shape. This is a must visit location. हम लोग लगभग 1 आवर यहीं पे थे, सब कुछ एक्सप्लोर किया, सारी पेंटिंग्स को बहुत अच्छे से देखा। कलर्स का इतना ब्रिलियंट तरीके से यूज़ हो रखा है कि मज़ा आ गया देख के। और थोड़ा थक भी चुके थे क्योंकि हम लोग वो तंजौर पैलेस में इतना ज़्यादा घूम के आए थे, तो सोचा ठीक है यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। और अंदर से ये थोड़ा ठंडा भी था, और थोड़ा सा हम लोगों ने मस्ती करी, मैं घूम रही थी, थोड़ा रील्स बनवाई और पिक्चर्स क्लिक करी, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। मॉर्निंग में आर्ट गैलरी बंद थी लेकिन अब ओपन हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं आर्ट गैलरी की तरफ। वी आर एंटरिंग द आर्ट गैलरी नाउ। हियर यू कैन सी प्लेंटी ऑफ स्टोन स्कल्पचर्स आर प्लेस्ड ऑल अराउंड। These sculptures range from 8th century AD to 18th century AD. You can capture some very interesting details if you have the eye for it. Most sculptures are well labeled and the most interesting carvings were done during the Chola period. Now we are heading towards the hall which consists of bronze images. ये जो हॉल है मोस्टली उसमें विष्णु भगवान की मूर्तियाँ थी, डिफरेंट डिफरेंट एरा की, कि कौन सी एडी में कौन से किस टाइप की मूर्ति यूज़ हुई थी। और मोस्टली जो थी वो थी विष्णु भगवान की, और साइज़ेस भी डिफरेंट थी, कोई छोटी कोई बड़ी। तो
अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो ही आपको मज़ा आएगा, वरना थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। यहाँ से एक्चुअली जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तभी हमें पता चलता है कि राजा महाराजा उस टाइम में कैसे हुआ करते थे और उनकी लाइफ कैसी थी और किस चीज़ में वो बिलीव करते थे, लोगों की थिंकिंग का पता चलता है। तो अगर आपको किसी भी राजा का टाइम का कुछ चीज़ें जाननी है तो ये सब चीज़ें बेस्ट होती है जानने के लिए। तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं कम से कम यहाँ पे वन एंड हाफ आवर थी, क्योंकि एक दो हॉल और थे और एक प्लेस था या फिर पैलेस बोल सकते हो, उसके ऊपर की तरफ हम लोग गए। वहाँ पे व्हेल का स्केलेटन भी था, बोलते हैं कि वो हेड है और पूरा मतलब टेल तक पूरा स्केलेटन लगाया हुआ था। थोड़ी देर में आपको वहाँ लेके चलती हूँ। ओके, सो दिस टावर इज़ कॉल्ड द अर्सनल टावर और हम लोग यहाँ गए थे डेड व्हेल के स्कल को देखने के लिए। ऑल्सो वन कैन गेट बर्ड व्यू ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल विमाना। ऑल्सो दिस टावर इज़ अ स्ट्रक्चर विच अट्रैक्ट द विजिटर्स टू तंजौर इवन एज अ टावर ऑफ द बिग टेम्पल डज। दिस अर्सनल टावर इज़ 190 फीट हाइट विद 8 स्टोरीज एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1855 CE ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मराठास। नेक्स्ट टाइम गए इस म्यूज़ियम में, यहाँ पे पुराने टाइम की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे पाम लीव्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हाफ एन आवर हम घूम के आ गए थे, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो थोड़ा सा मैंने बस क्लिप लिया है और फिर बाहर आ गए हम लोग। आ गए अभी इस हॉल में तंजौर सिटी का एक वीडियो देखने। यहाँ पे एक्चुअली एक शो होता है 12 बजे, तो 12 बज चुके थे तो हम आ चुके हैं और थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला था। ये एसी हॉल था, बड़ा मज़ा आया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बस 4-5 मिनट हम लोग यहाँ पे रिलैक्स किए और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए अपने होटल की तरफ। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ तंजौर व्लॉग। वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय, टेक केयर। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby.